इस वक्त हमारे साथ राकेश सावंत जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या कह रही है जो पूछताछ अभी तक हुई है, सुबह से चल रही है, क्या निकल कर सामने, आदिल कुछ बोल रहे हैं अपनी सफाई? इतनी आसानी से तो जो लड़का अपनी शादी के लिए 7 महीनों से नहीं मान रहा था, अपने जिस मुकाम के लिए आया था, टारगेट के लिए आया था, वो इतना आसानी से कहाँ बोलेगा? तो पुलिस को अपना तरीका पता है, वो पूरी इंक्वायरी कर रही है, राखी के हर मेडिकल के रिपोर्ट से उनके पास है, राखी के जो कंप्लेंट्स हैं एनसी जो 3 बार की है वो भी उनके पास हैं, और पुलिस परसों गई थी जिस दिन राखी के घर पे चोरी हुई थी पैसों की और ज्वेलरी की, दागिनों की, तो उसकी भी तहकीकात चल रही है। तो ये सारे प्रूफ्स और सारी फिंगरप्रिंट्स के साथ और सारी जो डिटेल्स है वो पुलिस पूरी इंक्वायरी करेगी, इसका एक चिट निकलेगी पूरी, उसकी पूरी चार्जशीट बनेगी, चार्जशीट के हिसाब से ये इंक्वायरी तो मुझे लगता है करीब करीब 1 महीने तक चलेगी, क्योंकि इतनी आसानी से जो कोई प्लान करके आया था, जो कोई कर रहा था, वो इतनी आसानी से कुछ बताएगा नहीं, तो वो पुलिस को अपना तरीका पता है, और बहुत जल्द पब्लिक के सामने सारी बातें आ जाएंगी कि राखी निर्दोष है, एकदम मतलब प्रॉपर हिंदुस्तानी एक लड़की है जिसने अपने घर को बचाने की कोशिश की, अपने शादी को बचाने की कोशिश की, अच्छे से रहने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो कोई लड़की ना बर्दाश्त करे, और सामने आ गई सारी हकीकत, अब पब्लिक और दुनिया को ये पता चलेगा कि सच्चाई राखी में है, आदिल में नहीं। तो क्या आपको लगता है शुरू से ही राखी को निशाना बनाया गया इस मामले? जिस तरह से इसकी हरकतें सामने आई है उस तरह से, तो मुझे दुबई से भी कॉल किया था आदिल ने कि भाई मुझे राखी को समझाओ कि मुझे 1.5 करोड़ की ज़रूरत है, मैं इधर फ्लैट लेना चाहता हूँ, मैंने बोला राखी ना ले वहाँ पर, क्योंकि दुबई में जो है आप प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का रूल है वहाँ की कि आप सिर्फ लीज पे ले सकते हैं। तो ये मैंने बताई बात राखी को, तो मैंने बोला अगर भाई तुम उसके हस्बैंड हो तुम लो, तुम्हारे पास पैसे तुम लो, राखी के पैसे क्यों लगवा रहे हो? वो भी पैसे की बहुत सारी उसके गफले हुए हैं, कुछ 10 लाख दिए थे राखी ने, वो भी प्रॉब्लम घर पर चोरी हुई, तो ये हर चीज़ जो पैसा और राखी का टॉर्चर ही सामने आ रहा है, तो कितना सहन करेगी? आज 8 महीने होना है तो और कितना सहन करेगी? वो भी तो एक बेटी है किसी की, किसी की बहन है, औरत है, तो जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो कोई भी सामने आ जाएगा, मतलब आखिरी तो यही न्याय है, पुलिस ही है, लॉ ही है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, फाइनली क्या चाहते हैं आप लोग, क्या ये सेटलमेंट हो या फिर पुलिस जो करेगी उसके हिसाब से? देखो ये राखी की लड़ाई है, अब ये राखी की लड़ाई नहीं, हम मेरी लड़ाई है, जनता की लड़ाई, हर लड़की की लड़ाई है, हर बहन की लड़ाई है, हर माँ की लड़ाई है। तो जब बात यहाँ तक पहुँची है तो 100% राखी को इंसाफ की ज़रूरत है, राखी इंसाफ चाहेगी कि भाई तूने मुझे क्यों यूज़ किया, तूने मेरे पे हाथ क्यों उठाया, तूने मुझे मारने की कोशिश की, तूने मेरे पैसे क्यों चोरी किए, तूने तेरा एम क्या था, तेरा क्या मुद्दा था, तू क्या करने आया था? तो ये सब चीज़ें जब पुलिस इंक्वायरी करेगी, जब इसके पीछे पूरी साजिश को जब देखा जाएगा, जब पता चलेगा, तभी सबको पता चलेगा। हम तो सिर्फ राखी के साथ खड़े रहेंगे, जो राखी चाहेगी हम उसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये थे राकेश सावंत जी जो हमसे बात कर रहे थे कि किस तरीके से राखी का अब अगला कदम होगा। बहरहाल पुलिस इंक्वायरी कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, और क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो अब देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन खालिद के साथ रेहान हुसैन, लहरें, मुंबई।